जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजयपथ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेस में, जिसमें हम लेकर आए हैं आज भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण किस प्रकार से हुए हैं, थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा। सबसे पहले एक तो यहाँ पर भारत में जो है सबसे पहले जो आक्रमणकारी रहे थे, एक अरबी रहे थे यानी कि अरब आक्रमणकारी, और दूसरे थे तुर्क आक्रमणकारी। तो अरब आक्रमणकारियों में जो है वो आए थे मोहम्मद बिन कासिम, और तुर्कियों में आए थे महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। ठीक है जी, तो क्वेश्चन क्या बना यहाँ पे कि भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी कौन कौन से आए थे, अरब आक्रमणकारी और तुर्क आक्रमणकारी। अरबी या पहले अरबी आक्रमणकारी मुस्लिम कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम, ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसी प्रकार से तुर्क आक्रमणकारी कौन थे, महमूद गजनवी, और साथ में कौन थे, मोहम्मद गौरी। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम भारत पर अरबियों का यानी कि अरबों का आक्रमण। मैं आपको बताऊं कि भारत पर जो है अरब आक्रमण किस प्रकार से हुए हैं, तो सबसे पहले 712 में जो ईस्वी में अबूदुल्ला के नेतृत्व में ये अभियान जो है भारत पर सिंध, एक अभियान सिंध भेजा गया था, किंतु वो पराजित हुआ और मारा गया था। और उसका नेतृत्व किसने किया था, अबूदुल्ला ने किया था, क्योंकि 711 ईस्वी में। फिर इसके बाद इन्होंने अरबियों ने दूसरा अभियान बुदैल के नेतृत्व में चलाया, लेकिन ये भी असफल रहा था। इसी प्रकार से फिर इसके बाद तीसरा अभियान जो है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जो है वो हुआ था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो है संधि के या सिंध के शासक दाहिर को पराजित किया था, और दाहिर युद्ध करते हुए भी मारा गया था। तो पहला जो मोहम्मद बिन कासिम बना था अरबी, जिसने जो है भारत को आक्रमण किया, और किस पर किया था, तो दाहिर पर किया था। किस पर किया था जी, दाहिर पर किया था, और वो दाहिर को कि उसने हत्या कर दी यानी कि उसको मार डाला था। मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान, पाकिस्तान की बात कर रहे, उसको जीता था। ये पूरा का पूरा, ये देख सकते हैं ग्रीन कलर में, ये पाकिस्तान का एरिया और भारत का भी एरिया है, रोपड़ जैसे पंजाब का एरिया आता है। ठीक है, तो इसे जो है उन्होंने जीता था। मोहम्मद बिन कासिम ने जो है भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया है। बहुत बार पेपर में आता है पहला मुस्लिम आक्रमणकारी के कौन था जिसने जजिया कर लगाया, तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। और ये जजिया कर जो था वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, यानी कि जिसे हम सुरक्षात्मक कर, डिफेंस प्रोटेक्शन के लिए कह सकते हैं कि जो है उन्होंने टैक्स हमसे लेना शुरू किया था। मगर इससे जो है कुछ लोगों को मुक्त रखा गया था। कौन कौन से मुक्त रखे थे, एक बच्चे, नंबर दो बूढ़े, नंबर तीन औरतें, विकलांग और ब्राह्मण, इन सब को जो है वो उन्होंने बाहर रखा था। तो पेपर में क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि जजिया कर जो है वो किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने जो है वो शुरू किया था, नंबर दो बच्चों और बूढ़ों औरतों और विकलांगों और ब्राह्मणों को, ये भी याद रखिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि जजिया कर से जो मुक्त लोग थे वो कौन थे, तो आपको ये व्यक्ति याद रखने हैं कि किस किस से जजिया कर जो है वो नहीं लिया जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने जो है जजिया कर ब्राह्मणों से भी लेना शुरू किया था। तो फिर बाद में ये क्वेश्चन पूछे जाएगा कि ब्राह्मणों से जो है जजिया कर की शुरुआत किसने की, तो फिरोज शाह तुगलक जो है वो इसका सही आंसर है। इसके बाद आगे चलते हैं, अकबर ने जो है 1564
ईस्वी में जो है जजिया कर को कंप्लीटली जो है वो समाप्त किया है। और औरंगजेब ने 1679 में जो है जजिया कर फिर से शुरू कर दिया था। जजिया कर को अंतिम रूप जो है वो मोहम्मद शाह रंगीला ने जो है समाप्त किया है, ये हमें याद रखना। इसके बाद अरबों की सिंध पर विजय के कारण क्या क्या रहे हैं, अरबी जो हैं सिंध पर क्यों जीते, क्या कारण रह गया कि वो जो है वो सिंध पर विजय जो है वो उन्होंने प्राप्त की। उसके कारण थे, एक तो था राजनीतिक कारण रहा है जो कि मुस्लिम राज्य का विस्तार करने के लिए जो है उन्होंने आक्रमण किए थे सिंध पर। और दूसरा था आर्थिक कारण, यह था कि भारत एक समृद्ध देश था, यहाँ अधिकार करके धन प्राप्त करना था। जो देश अगर अमीर है तो उससे जो है वो टूटने की कोशिश करना चाहते थे, क्योंकि भारत एक समृद्ध देश था इसलिए उसे लूटने के सोच से जो है उन्होंने विजय प्राप्त करने सिंध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए थी। और इस्लाम धर्म का प्रचार, इस्लाम धर्म को भी उन्होंने जो है आगे बढ़ाना था, इसलिए मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे यानी कि अरबी थे वो भारत पर यानी कि सिंध पर आक्रमण करना चाहते थे। तो ये इसका महत्वपूर्ण जो है वो तथ्य है। इसी प्रकार से तुर्क चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में निवास करने वाली असभ्य और बर्बर जाति थी। तुर्की कौन थे, तुर्कियों के आक्रमण की बात कर रहे हैं, ये एक बर्बर जाति के लोग थे और असभ्य थे यानी कि बदतमीज जैसे, क्योंकि 962 ईस्वी में जो है अल्पतगीन नामक एक तुर्क, याद रखिएगा अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने जो है गजनी साम्राज्य, कौन सा साम्राज्य है, गजनी साम्राज्य यानी कि इसको हम यामनी साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं, उसकी स्थापना की और गजनी को जो है अपनी राजधानी बनाया। किसने बनाया था, अल्पतगीन, याद किया अल्पतगीन ने बनाया था। और अल्पतगीन ने जो 1700 चुने हुए तुर्क अधिकारियों को नियुक्त किया और एक सबूतगीन भी था इनमें, याद रखना है। और अल्पतगीन के बाद सबूतगीन ही बाद में इसका शासक बना था, जो अधिकारी थे उन्हीं में से एक सबूतगीन जो था वो वहां का शासक बना था। सबूतगीन की बात करें तो ये 970 से लेकर 97 तक का समय काल रहा है। भारत पर ये पहला तुर्क आक्रमणकारी था, देख सकते हैं पहला भारत पर जो है तुर्की आक्रमणकारी कौन था, तो सबूतगीन था। इसने 986 ईस्वी में पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया, उसे पराजित कर दिया। सबूतगीन की मृत्यु के बाद इसके दो पुत्र थे हुए, कौन कौन से, अब्दुल कासिम महमूद और इस्माइल। तो दोनों के मध्य जो है उत्तराधिकार के लिए यानी कि अपनी अपनी जो है उत्तराधिकार शासक बनने के लिए जो है युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम महमूद जो है, कासिम जो है महमूद के विजय हुआ यानी कि जीत गया, और अब्दुल कासिम महमूद गजनवी के नाम से जो है वो शासक बना। जैसे थोड़ा सा एक बार फिर से देखें, दोनों के मध्य जो है उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ, ठीक है, किस किस में, इस्माइल में और अब्दुल कासिम में, ठीक है। और अब्दुल कासिम जो है महमूद विजयी हुआ यानी कि जीत गया, और बाद में जो है यही गजनी यानी कि महमूद गजनवी के नाम से जो है वो शासक बने। महमूद गजनवी के बारे में देख लेते हैं, सबूतगीन की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी जो है 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था, 998 में, 998 में जो है ये गद्दी पर बैठा। इसने 10,000 से लेकर 1027 के बीच
17 बार आक्रमण किए हैं भारत पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए हैं। 17 बार आक्रमण किए हैं, फिर उसके बाद इसकी डेथ हो गई, ठीक है, नहीं तो पता नहीं कितनी बार करता। तो महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम 1000 से लेकर ईस्वी भारत पर आक्रमण किया और पेशावर के कुछ हिस्सों पर जो है विजय प्राप्त करके वापस अपने देश जो है वो लौट गया। इसने पेशावर के कुछ हिस्सों पर जो है विजय प्राप्त की और फिर ये वापस जो है अपने देश चला गया था। तो इसकी डिटेल भी हम जानेंगे कि महमूद गजनवी ने जो है 17 आक्रमण किए हैं भारत पर, ठीक है जी। तो कब कब किए थे? 1001 से 2 के बीच में जो है हिंदू शाही राज्य पर जयपाल थे तब राजा, तब किया था। दूसरा आक्रमण 5-6 में किया है मुल्तान पर, जो कि अब्दुल फतेह दाऊद थे उनके ऊपर। ऐसे 1008 से हिंदू शाही राज्य आनंदपाल, 1012 से 13 थानेश्वर राजा राम। इसी प्रकार से ये कन्नौज पर किया था जयपाल के में, कालिंजर के में है विद्याधर। इसी प्रकार से लास्ट में आपको, क्योंकि सभी 17 तो नहीं बोलूंगा, लास्ट जो है सोलमा देख लीजिएगा। सोलमा जो है इसने सोमनाथ पर किया था, क्योंकि भीम प्रथम जो थे वो वहां के राजा थे। सोलमा जो है वो 1025 में जो है आक्रमण किया था। महमूद गजनवी के ऊपर ही मैं लेके चलता हूँ। 1025 ईस्वी में अपने सोल में आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को इन्होंने लूटा था। सोमनाथ मंदिर जो है ये एक तो आपने लोकेशन याद करनी है ये कहाँ पर, दूसरा इसको कब लूटा था और कौन से आक्रमण में लूटा था, 1025 याद रखिएगा। और मंदिर को लूट के जाने के क्रम से या क्रम में उस पर कुछ जाटों ने आक्रमण किया कि हाँ भैया मंदिर जा रहा है, तो उस पर क्या किया, जाटों ने आक्रमण किया और उसकी संपत्ति को लूट लिया। जो लूट के जा रहा था उसका कुछ भाग जो है वो उन्होंने लूट लिया और महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण जो है वो 1027 फिर इन्हीं जाटों के विरुद्ध किया, क्योंकि तो उनका लूटा हुआ था महमूद गजनवी का, यानी कि उन्होंने जो है जाटों ने संपत्ति को लूटा था, इसलिए उसने भी उन्हीं के ऊपर 1027 में किया। और 30 ईस्वी में जो है महमूद गजनवी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, मौत हो गई। तो महमूद गजनवी ने के साथ कौन कौन से इतिहासकार रहते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलबरूनी और फिरदोसी, अलबरूनी और फिरदोसी और एक और है वो है कुतुबी। तो इनके द्वारा जो है तीनों के द्वारा पुस्तकें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको भी याद रखना है। कौन कौन सी इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं वो भी देखिए, शाहनामा, किताब उल हिंद और किताब उल यामनी। फिर दोस्ती की कई बार किताबों पर भी ये क्वेश्चन जो है पेपर में आते हैं, तो फिर दोस्ती द्वारा जो है ये लिखी गई है, पेपर में लास्ट टाइम भी आया है ये क्वेश्चन, शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है, तो फिर दोस्ती आंसर था अलबरूनी। किताब उल हिंद के लेखक कौन है, तो अलबरूनी थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। किताब उल यामनी के लेखक कौन है, तो उत्तबी है, कौन है, उत्तबी है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है बच्चों। इसी प्रकार से महमूद गजनवी को जो है उत किशन शिकन या मूर्ति भंजक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इन्होंने क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा जो है मूर्तियों को जो है या भारत की कला को जो है ध्वस्त किया था, कि इनको मूर्ति भंजक कहा जाता है या बुत शिकन भी कहा जाता है। और महमूद गजनवी के आक्रमण का प्रभाव, महमूद गजनवी के आक्रमण का जो प्रभाव है वो कैसे रहे, भारतीय राजा जितने भी थे राजाओं को पराजित कर भारतीय राज
उसकी राजनीति थी कि कमजोरी को उजागर कर दिया था, भारत की जो है भारतीय 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 राजनीति को की कमजोरी को उजागर कर दिया जब इन्होंने आक्रमण किया। ये भारत में क्या दिक्कतें हैं तो वो उन्होंने देख ली थी, क्या कमजोरियां रह रही हैं। नेक्स्ट आता है पंजाब सिंध एवं मुल्तान में जो है गजनबी गवर्नरों की नियुक्ति कर मुस्लिम शासन की स्थापना की। तो पंजाब और सिंध में जो जो इन्होंने इलाके जीते थे वहां पर उन्होंने अपने अपने मुस्लिम जो हैं शासक यानी शासन के नियुक्त कर दिए। और भारत में विदेशी आक्रमण के भी दरबार खोल दिए। एक बार युद्ध होता है या एक बार कहीं न कहीं से कोई कोशिश कर ले तो फिर दूसरा बंदा भी बोलता है कि नहीं भैया मैं भी वहां से अटैक कर सकता हूँ, ये दरबार खोल दिए। नेक्स्ट आता है भारतीय कला को नष्ट किया, जैसे मैंने बोला मूर्ति भंजक इसीलिए। और धन जो है भारत का जो धन है वो गजनी ले गया था, यानी कि जितना भी अपना यहाँ का भारत का जितना भी धन है उसको गजनी यानी कि अपनी राजधानी मोहम्मद गोरी ले गया था। के साथ 12वीं शताब्दी के मध्य में गौर वंश का उदय हुआ था, उसने साम्राज्य का आधार उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान रखा था। 1173 ईस्वी में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी शासक बने थे। और 75 की बात करें तो मुल्तान पर इन्होंने आक्रमण किया और इसकी पहली वजह थी ये 1175 में मुल्तान पर जब पर आक्रमण किया ये ही इसकी वजह रही है। 78 में जो है गुजरात पर आक्रमण किया किंतु यहाँ के शासक भीम द्वितीय ने उसे बुरी तरह से पराजित किया तथा ये तुर्क आक्रमणकारियों की पहली पराजय भी थी, यानी कि पहली बार वो हारे भी। 1192 में त्राइन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ है जो कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ है। इस युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी पराजित हो गया और गजनी वापस यानी कि अपनी राजधानी वापस चला गया था। जब ये हार गया तो अगले ही साल यानी कि 92 में त्राइन का दूसरा युद्ध किया इसने पृथ्वीराज चौहान के साथ और मोहम्मद गोरी जो को जो है इसने क्या कर लिया, बंदी बना लिया। पृथ्वीराज चौहान जो है पराजित होते ही मोहम्मद गोरी ने इसको क्या कर दिया, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया, यानी कि अपने दुश्मन को जो है उसने नहीं छोड़ा। ये भारतीय विजय अभियान है इसके मोहम्मद गोरी के, मुल्तान पर किया था इसने, गुजरात पर किया है, पंजाब के हैं ये, त्राइन का, कन्नौज का युद्ध, चंदावर का युद्ध भी कई बार पूछा जाता है, खोखर जाति के मैंने बोला था तो ये उनके विरुद्ध भी हुआ है 1205। ये आपने ईस्वियां जो है वो याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे कौन जीता है कौन हारा है। तो त्राइन का युद्ध कब और किसने किसके बीच हुआ ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही मैं बता देता हूँ 1205 ईस्वी में गौरी ने अपना अंतिम युद्ध जो पंजाब के खोखर जाति, कौन सी जाति, खोखर जाति के विरुद्ध जो है वो किया था। तो मोहम्मद गोरी के जो सेनापति थे द्वारा विजित क्षेत्र यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक था और बख्तियार खिलजी था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को अजमेर विजय, बदायूं विजय, बुंदेलखंड ये विजय जो है उनके सेनापति द्वारा जो है क्षेत्र दिए गए थे। बख्तियार खिलजी बिहार विजय और बंगाल विजय 1205 ये इन्होंने जो है विजित क्षेत्र थे जब जब ये इन्होंने जीते थे तो कि सेनापतियों वो द्वारा जो है वो जीते गए हैं। देख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो किसका सेनापति था, तो मोहम्मद गोरी का ही सेनापति था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बच्चों, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के लिए जो है मोहम्मद गोरी जो है वहीं से एक नींव रखी गई थी, याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट आया था 1198 में मोहम्मद गोरी
सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया, लेकिन तोड़ फोड़ कर दिया था 1198 में। तो ये कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर के, जैसे कि 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था, तो दाहिर। इसी प्रकार से सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय किस पर जाता है, तो मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। और उसने किस वर्ग के को इस कर से पूर्णतया मुक्त रखा था, कर होगा कार है, थोड़ा सा टाइपिंग में हो जाता है, कर से मुक्त रखा था। तो ब्राह्मणों को जो है उन्होंने जो है जजिया कर से मुक्त रखा था, मगर आप कमेंट करिएगा कि किसने इसे शुरू किया था। सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में जो है मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था, भीमदेव प्रथम थे। कौन थे? भीमदेव प्रथम। इसी प्रकार थे प्रथम आक्रमणकारी भारत पर कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। मैंने बताया चंदावर का युद्ध, बच्चों बहुत बार पूछा जाता है, चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है जी, अब बताएं आप चंदावर का युद्ध, अभी मैंने बताया है आपको चंदावर का युद्ध, देख सकते हैं आप चंदावर का युद्ध यहाँ पे। तो चंदावर का युद्ध ये रहा, जयपाल के साथ हुआ है, तो कन्नौज का युद्ध 1194 में हुआ था। कब हुआ था? 1194 में हुआ था। ठीक है जी, ये चंदावर का युद्ध है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं है जयपाल। नेक्स्ट आता है महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने जो है सर्वप्रथम किसकी रचना की थी। मैंने आपको पुस्तकों के नाम बताए हैं अल बरूनी द्वारा, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो इनमें से कोई नहीं होगी। तो इसी प्रकार से जो है ये कुछ क्वेश्चन जो है वो बनाए गए थे, जो कि प्रीवियस ईयर के हमने उठाए थे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे, वो है हमारा गुलाम वंश, जो कि हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।